हेलो गाइस, मैं बिग बॉस एक्सट्रीम से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जो शिव ठाकरे है वो प्रियंका चौधरी और अंकित गुप्ता को बहुत ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि अब मैं दो बंदे ऐसे को नॉमिनेशन में डालना चाहता हूँ जो बंदे सुनकर बखला जाएंगे। तभी वो प्रियंका और अंकित की तरफ इशारा करते हैं। तभी प्रियंका कह देती है कि कोई बात नहीं शिव, आज मैं भी तुम्हारी तरह लाउड बोलकर दिखाऊंगी, तुम जो हरकतें करता है ना तो मैं भी आज बोलूंगी। तभी जो शिव ठाकरे वो सबसे पहले अंकित का नाम लेते हैं और तभी प्रियंका चौधरी ही पर और अंकित गुप्ता पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि जे हमेशा नॉमिनेशन की बात आती है तो जे दोनों एक बंदे को ही चूज करते हैं और मुझे लगता है कि जे सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे हैं जो कि सही नहीं लगता। तभी प्रियंका चौधरी उन्हें एक चैलेंज करते और कह देती है कि पहले तू खुद सुधर जाओ शिव ठाकरे, तू हमेशा ओवरलैप चलता है और हमेशा कैमरे को दिखा दिखा कर हमेशा अपनी बातें बोलता है कि मैं सच्चा लगूं, जो कि हमेशा प्रियंका चौधरी पर इल्ज़ाम लगाती है। निमरत कहती है कि प्रियंका सिर्फ कैमरे के सामने अपने आप को अच्छा दिखाती है, लेकिन जो प्रियंका चौधरी है यहाँ पर वो दिखा रही है कि जो शिव ठाकरे है वो सिर्फ कैमरे के सामने जाकर बातें करते हैं और अपनी सच्चाई सबको दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि सच्ची नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी शिव ठाकरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या जी सही है या गलत, तो प्लीज आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।